Dear students of English language, students, today in this lecture 2, Hindi version lecture, आज हम study करने जा रहे हैं word formation की. Students, पिछले lecture में word formation के अंतर्गत हमने पढ़ा था nominalization को और linguistics को, morphology को. Students, हमने prefix और suffix के बारे में थोड़ा सा जाना था और हमने जानने की कोशिश की थी कि root words और stem क्या होते हैं. तो students, उस सारी basic knowledge को यहाँ पर collect करके आज हम word formation के अंदर जानने जा रहे हैं कि कैसे एक word जो किसी एक parts of speech का होता है दूसरी parts of speech में हम change करते हैं. सबसे पहले students जानते हैं कि parts of speech क्या होती है. स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के वो एसेंशियल पार्ट्स हैं. जैसे कि आपने सीखा था कि नाउन, नाउन क्या होता है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. तो इस तरह से बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि हम कहते हैं ऑनेस्टी. तो स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी क्या हुआ, एक नाउन हुआ और ऑनेस्टी से हमने एक नया वर्ड बनाया टी वाई हटाने के बाद ऑनेस्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है. तो इस तरह से ऑनेस्ट नाम के एडजेक्टिव से जब हम टी वाई लगाकर ऑनेस्टी बनाते हैं तो वह नाउन बन जाता है. तो स्टूडेंट्स, यही हम आज सीखने जा रहे हैं कि नया वर्ड बनाने में कुछ अक्षर हम शुरू में जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, और किसी एक वर्ड में कुछ अक्षर हम बाद में जोड़ते हैं और उन अक्षरों को क्या कहते हैं, और जिस वर्ड में वो अक्षर जोड़े जाते हैं वह क्या कहलाता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि कोई भी एक मूल शब्द दिया गया है, कोई एक आपका बेसिक वर्ड दिया गया है, उस बेसिक वर्ड में कुछ शुरू में जोड़ करके कुछ बाद में जोड़ करके हम एक नया वर्ड बनाने वाले होते हैं. तो इसमें अहम बात यह है कि जो हमारा मेन वर्ड है, जो हमारा मूल शब्द है, स्टूडेंट्स, अगर हम उसके शुरू में कुछ जोड़ते हैं तो वह प्रीफिक्स कहलाता है, और जब हम उस शब्द के अंत में कुछ जोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स वह आपका सफिक्स कहलाता है. और जब हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं इन सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का यूज़ करके, तो स्टूडेंट्स ये वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है. और इसमें एक विशेष बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जो भी हम वर्ड बदलेंगे वे एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज होना चाहिए. जैसे कि अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि नाउन से एडजेक्टिव बनाना और एडजेक्टिव से नाउन बनाना. जैसे ऑनेस्ट, आपने एक एडजेक्टिव लिया, उसमें टी वाई मीन्स प्रीफिक्स बाद का पार्ट लगा करके एक नया वर्ड बनाया जो ऑनेस्टी बना. तो ऑनेस्ट नाउन था और ऑनेस्टी एडजेक्टिव. तो इस तरह से दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट हैं, दोनों ही वर्ड्स डिफरेंट हैं, और इस प्रक्रिया को पूरा करने में हमें दो पार्ट्स का सहयोग मिला. पहला था रूट वर्ड जो कि बेसिक वर्ड था, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑनेस्ट, जिसमें हमने वाई जोड़ करके ऑनेस्टी कर लिया जो कि एडजेक्टिव बन गया. आइए अब स्टडी करते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स जो है वह वर्ड है जो किसी मूल शब्द के पहले लग करके और उसकी बिगिनिंग में ऐड हो करके कुछ ऐसा सेंस देता है जो पिछले वाले मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ग्रामर के हिसाब से जो ग्रामर की कैटेगरी है स्टूडेंट्स, वो एक नई पार्ट्स ऑफ स्पीच को जन्म देता है. जैसे कि अभी हमने ऑनेस्ट से ऑनेस्टी या ऑनेस्टी से ऑनेस्ट बनाया था, तो प्रीफिक्स के अंदर हम उन पार्ट्स का स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स जो बिगिनिंग में लगाए जाते हैं. जैसे कि सर्कल, सर्कल अपने आप में एक नाउन है, अगर हमने इसमें एन लगा दिया तो इसका मतलब हो गया एन सर्कल, तो इसका मतलब हो गया कि वृत्त बनाना, बनाना इसके अंदर यहाँ पर वर्ब आ गई. अगर हम इस सर्कल में अलग से वर्ब लगाते तो फिर हमें लिखना पड़ता मेक सर्कल. तो यहाँ पर जो एन है वो मेक का सेंस दे रहा है, तो एन सर्कल नाम के एक वर्ड के ही अंदर हिंदी के दो शब्द आ गए हैं कि सर्कल बनाओ. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी मैथ्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एन सर्कल द ऑड डिजिट, तो ऐसी डिजिट को हम सर्कल बनाते हैं जो अलग तरह की होती है, तो एन का मतलब है मेक, तो यहाँ हो गया एन सर्कल. स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक दूसरा प्रीफिक्स आपके सामने है अस सर्टेन. स्टूडेंट, सर्टेन क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और जब आप इसके अंदर एस लगा दें तो असर्टेन होकर के ये वर्ब बन जाता है जिसका मतलब होता है निश्चित करना. तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि सफिक्स क्या होता है. सफिक्स एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा अफिक्स है, एलिमेंट है, पार्टिकल है, संलग्नक है, एक ऐसा
शब्द का हिस्सा है जिसके बिगिनिंग में सॉरी जिसके जिसको शब्द के अंत में यानी रूट वर्ड जो आपका मूल शब्द है के अंत में जोड़ा जाता है और एक नया शब्द ये क्रिएट कर देता है और वह शब्द इसकी पिछली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थी से डिफरेंट होता है। जैसे कि हम कहें ग्लोरी, स्टूडेंट्स ग्लोरी नाउन है और ग्लोरीफाई वर्ब बन गया, तो यहाँ पर ग्लोरी के अंत में फाई लगाकर ग्लोरीफाई हो गया। ऐसे रियल से स्टूडेंट्स रियलिटी हो गया, तो रियल एडजेक्टिव था, रियलिटी नाउन है। तो इसी तरह से आज हम स्टूडेंट सीखेंगे जो कि यूपी बोर्ड के लास्ट टेंथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट ग्रामर का क्वेश्चन है जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन हैं आती हैं कि एडजेक्टिव से नाउन बनाइए, नाउन से एडजेक्टिव बनाइए। तो आइए आज देखते हैं इन सफिक्स और प्रीफिक्स की हेल्प से और स्टेम वर्ड्स की हेल्प से मॉर्फोलॉजिकली और विदाउट मॉर्फोलॉजिकली कैसे हम यहाँ पर एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे यहाँ सफिक्सेस हैं, सफिक्सेस का मतलब जो कि वर्ड के बाद में जोड़े जाने हैं, और इन सफिक्सेस का यूज़ किस सिलसिले में होगा, इन सफिक्सेस का यूज़ एडजेक्टिव से नाउन बनाने में होगा। देखिए कि कौन कौन से सफिक्सेस हमारे पास हैं, ITY, NES, CY, TIT, TH, HOOD, S, T, AGE, RAY, DUMB, YEAR, EYES। आइए देखते हैं कि इनका यूज़ हम कैसे करेंगे। हमारे पास एडजेक्टिव है क्लियर, इटी क्लैरिटी, रेगुलर इटी रेगुलैरिटी, नोबल इटी नोबिलिटी, होपलेस होपलेसनेस, बिजी बिजीनेस, अवेयर अवेयरनेस, एक्यूरेट एक्यूरेसी, डिसेंट डिसेंसी, डाइट डेथ, ट्रू ट्रूथ। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास दूसरा यहाँ पर हमने इसके अंदर दूसरे कॉलम में देखते हैं, फॉल्स में हमने हुड जोड़ करके फॉल्स हुड बना दिया। फॉल्स मीन झूठा या झूठ होता है जो कि एक विशेषता है, एडजेक्टिव है, और फॉल्स हुड का मतलब हो गया झूठपन। शॉर्ट शॉर्टेज, फ्री फ्रीडम, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, विशेषता के तौर पर जैसे कि हमने कहा स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत से पहले आया तो स्वतंत्र भारत की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये फ्री एडजेक्टिव हुआ। जबकि फ्रीडम अपने आप में एक स्वतंत्रता बन गई जो कि नाउन का काम कर रहा है। नाउन स्टूडेंट्स हमेशा अकेला यूज़ होता है या नाउन से पहले जो शब्द आता है वो उसका एडजेक्टिव होता है और ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर यूज़ में आता है। ग्रैंड ग्रैंड्यूर, और स्टूडेंट्स कावर्ड कावर्डाइज, एंड स्टूडेंट्स ब्रीफ ब्रेविटी, ब्रेव ब्रेवरी, एंड पायस पायटी, जो कि आपकी कहते हैं कि पवित्रता से रिलेटेड शब्द है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने आज सीखा कि कैसे एडजेक्टिव से आप नाउन बदलते हैं, जो कि वर्ड फॉर्मेशन का आज पहला हिस्सा हमने स्टडी किया। स्टूडेंट दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड प्लीज़ आई होप दैट यू हैव लाइक दिस लेक्चर वेरी मच। इफ़ यू लाइक आर लेक्चर्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल ओरेसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड टू कंटिन्यू विद अस टू कम्प्लीट योर वर्ड फॉर्मेशन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए ओरेसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरह से आप अपने सारे लेक्चर्स अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो ज़रूर सबसे पहले हासिल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, एंड आई होप कि इन लेक्चर्स के थ्रू आप ज़रूर सबसे अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।